अस्सलाम वालेकुम। तो आई गाइस कैसे हो, मेरा सोलो खैर खरूस होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम एक बार फिर से गॉड ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई लोग यार ज़्यादा बात नहीं करें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो यार सबसे पहले तो ये कहेंगे यार प्लेन वालों के साथ फ़ाइट था हमारा। तो यार ये दुबई का प्लेयर था यार, अच्छे क्लेन है यार ये भी। तो यार इसके साथ भी हमारा फ़ाइट होना इसके स्क्वाड के साथ। तो ये भी फिर आखिर में मतलब वन वन मेरे को मिल जाता है पचंके में, तो पचंके में हॉट ड्रॉप था। तो यार भाई लोग यार सबसे पहले तो यार जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करो, और जो नए आए चैनल पर लाजम सब्सक्राइब करना। तो यार हमारा चैनल डम जा रहा है तो यार लाजम सपोर्ट करना। बस यार आजकल थोड़े मजबूरी है, मुश्किल है, इस वजह से ना लाइव कर रहा हूँ ना वीडियो रील अपलोड कर रहा हूँ। तो यार बस शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स है, क्लचेस है, तो वीडियो है, इंजॉय करो। इंशाल्लाह मिलते हैं एंड में। अच्छा यार अभी जिसके साथ भी मतलब ये फाइट होने ये वही स्क्वाड था, पहले एक को मार दिया फिर दो को फिर एंड में फिर एक। सजाद जब ओपन करावन अंत बड़ा तो यार ये उस स्क्वाड के दो बंदे थे, अभी बच गया एक। तो यार ये लास्ट बंदा था यार, बंदा इतना पैनिक हुआ, इतना डर रहा था कि क्या बताऊं यार। तो बस यार ये इसको एंड वाला था, इसको भी फिनिश। Awesome. यार इस बंदे ने बड़ा जबरदस्त रिफ्लेक्स मारा यार। बस यहाँ पे हम नॉक हो जाते, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ते, इसको भी नॉक फिनिश करके जाएंगे। तो यार बस हमें दूसरे घर की तरफ से पड़ जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस फिर वन वे थ्री हो जाता है आरबी पे। बस इन लोगों ने यार क्या गलती की थी, ये लोग अकेले अकेले आ गए थे। देखते हैं अभी इनको कैसे पेलते हैं। टीममेट की तरफ से बड़ा जबरदस्त कवर मिल जाता है। तो यार बस यहाँ पे ये लोग फिनिश होते हैं यार। इन लोगों की बस यही गलती करते हैं यार, जो भी हो ना, जो भी ये गलती करता है, अकेले अकेले बंदा जब रश करता है ना तो फिर यही हाल हो जाना है ना। तो यहाँ पे बस इन लोगों ने अकेले रश कर दिया, इनको सबको खत्म कर, चलते हैं नेक्स्ट तरफ, नेक्स्ट स्क्वाड वाइज की तरफ। अच्छा यार यहाँ पे आप लोगों ने ये बताना यार ऐसे टीममेट किसके पास होता है। यहाँ पे यार बंदा फायर हॉट ड्रॉप पे उतर जाता है, गन फाइट होती है। तो यार यहाँ पे बस चांस होते हैं 50-50 यार, जिसके हाथ में गन आ गई तो वो बस उसने वो बाजी ले गया। तो यहाँ पे यार देखो ना मेरे टीममेट को भाग जाते यार, ऐसा कौन करता है। तो यार यहाँ पे किल होने के बाद यार रिकॉल होके तो इवेंट पे आ गए लूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे यार बंदे तो ऑलरेडी फुल स्क्वाड था। तो यार यहाँ पे मैंने कहा यार चलो यार थोड़ा सा होल्ड करते हैं यार, इनको एक दो नॉक करके तो फिर जाके इन पे पुश करते हैं ना, फिर शायद देखते हैं यार 1v4 होता है कि नहीं।
तो यार यहाँ पे देखो ना, और दूसरा यार एंड में देखो यार, इनमें से जो एक बंदा एक सूट पहना हुआ था, पता नहीं वो डर रहा था कि पैनिक हुआ था, पता नहीं, आप खुद ही देख लो। यहाँ बस मैं तीसरे को नॉक करने के चक्कर में ना यार, वो जो नॉक थे वो भी फिनिश नहीं हुए, दोबारा ट्राई करेंगे 1v6 के, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत तेज हो रहे हो हैं। बताओ कैसा, अच्छा ना यार ये बंदा, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा था यहाँ पे होल्ड, क्योंकि यार ये जो अभी बंदा है ना, अभी जिसको मैं नेक्स्ट मारने वाला, इसका लोकेशन का पता नहीं था, क्योंकि यार अभी वॉल उस तरफ है, इस तरफ है, राइट पे है, लेफ्ट पे है, अभी देखो यार कहाँ छुपा हुआ होता है। तो यार बंदा लो हो गया था, तो काफी डरा हुआ था, तो बस कॉर्नर में छुप गया था। तो यार ये बंदा पुश ही नहीं कर रहा था यार, एक सूट वाला बंदा था, पता नहीं क्या कर रहा था, समझ में अभी देखो। पता नहीं यार ये बॉट था या फिर पैनिक हुआ था, एक सूट पहना हुआ था इतना की। तो चलो भाई यार इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो यार भाई लोग यार लाइक शेयर लाजमी करना, ठीक है, अल्लाह हाफिज।